हाँ जी बेटा, सबसे पहले मैं एक बार फिर रिकॉल कर रही हूं। आपको पता है हमारा टॉपिक जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये हम डील कर रहे हैं, और मैंने आपको कल बताया था कि इफ दिस इज अ सर्कल, मेरे पास दो रेडियस और कर्व के बीच का जो पार्ट होता है ना, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है तो 100% हम माइनर सेक्टर की बात करते हैं बेटा, और माइनर सेक्टर में आपको पता है कि एक्यूट एंगल ही हमारे पास होता है। ओके, तो अब बेटा देखिए, मेरे पास जो है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। एंगल ये थीटा होता है, ये आर रेडियस होते हैं, ये यहाँ सेंटर होता है। फिर मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब ये जो ऊपर बच गया डॉटेड वाला। ओके, हम दो तरह से कर सकते हैं। एक, पूरे सर्कल में से हम क्या कर दें, सेक्टर को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा, या डायरेक्टली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बेटा थीटा जो है ना वो मुझे एक्यूट दिया, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा ओवर 360। ये थीटा कैसे लिया, अगर आपको थीटा एक्यूट दिया है तो मैं पूरे 360 में से ये थीटा निकाल दूं, तो थीटा ऊपर वाला आ गया ना, 360 माइनस थीटा, तो मैंने सीधा ही वही एंगल ले लिया, तो रहा तो फॉर्मूला वही ना कि पाई आर स्क्वायर बाय 360 इनटू थीटा लेना है। जिस भी सेक्टर का आपने निकालना, मेजर निकालना है तो मेजर का एंगल ले लो, माइनर निकालना है तो माइनर का एंगल। हाँ जी, अगर एक्यूट ना हो तो आपको, अगर उसने मेंशन किया मान लो थीटा 120 और उसने कहा कि फाइंड द एंगल सेक्टर, तो वहां आप थीटा 120 ही लोगे, क्योंकि दैट मींस उसने बोल दिया कि जहां एंगल 120 है वो वाला सेक्टर, तो ऑब्वियस है वो मेजर होगा, तब हम माइनस थोड़ा करेंगे, वहां कुछ नहीं लिखा ना उसने। जो भी एंगल, मैं आपको ये कह रही हूँ कि यहाँ पर हम एक्यूट एंगल इसीलिए डिफाइन करते हैं जब पर्टिकुलर मेजर का लगाते हैं कि एंगल कौन सा, ठीक है ना। बाकी वो क्वेश्चन पे लिटिल बिट चेंजेस होती है, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको क्लैरिटी होती जाएगी कि कैसे लेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा। एरिया ऑफ सेगमेंट मेरे पास जो है, इफ यू सी, ये सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है। मुझे कॉर्ड और कर्व के साथ का जो एरिया होता है ना, इसे हम कहते हैं बेटा सेगमेंट, वी कॉल्ड इट सेगमेंट। ये भी पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट, बड़े वाला मेजर सेगमेंट और छोटे वाला माइनर सेगमेंट। अब इसको निकालना कैसे बेटा, बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड बच्चों को बताती हूँ, कभी गलती नहीं होती। ये रेडियस हो गया, इसमें भी ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है जी। अब मेरे पास जो है सीधा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, मेरे पास जो है सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपके सिलेबस में जो डिलीट हुआ है वो 120 डिग्री एंगल वाला डिलीट हुआ है, एक एग्जांपल, यानी आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें वो एक्यूट एंगल ही देगा, मतलब या 30 या 45 या 60, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बेसिकली निकला कैसे, अब मैं आपको बताने, हाउ आई राइट दिस फॉर्मूला। पूरे सेक्टर में से सेक्टर इतना आया, मैंने क्या कर दिया, ट्रायंगल वाले एरिया को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्या बच गया, सेगमेंट। तो ये सेक्टर माइनस ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है,
ये कौन सी ट्रायंगल? नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है, ध्यान से देखना, ये ऐसी ट्रायंगल है जो एक सेंटर ऑफ सर्कल पे बन रही है और सेंटर पे उसका एंगल थीटा है। ये तभी फॉर्मूला लग सकता है और किसी ट्रायंगल में नहीं लग सकता, क्योंकि हम कोरिलेट कर रहे हैं थीटा सेक्टर के साथ, ये सेक्टर वाला एंगल है, तो मतलब ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पे अगर मुझे एंगल दिया है, क्योंकि रेडियस किसमें आता है? सर्कल में ही आता है ना, तो इसीलिए दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद द कॉर्ड जो सेगमेंट में यूज हो रही है, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ट्रायंगल, अदरवाइज नहीं। और ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगता है, अपने आप होगा। अगर सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है तो वह आइसोसेलेस होगी होगी, क्यों होगी? क्योंकि सेंटर पे बना रहे हैं तो दो तो रेडियस ही है ना, इसीलिए मैंने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। हाँ जी, यस बेटा, ये मैंने ड्राइव किया है परपेंडिकुलर निकाल के, सारा डेरिवेशन की हुई है, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बेटा मैंने आपको कहा कि मैंने ये जो फॉर्मूला है यहां से परपेंडिकुलर निकाल के, मतलब ये ट्रायंगल है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये थीटा बाय टू करके, तो इतनी ट्रायंगल में अपने आप वो थीटा बाय टू हो जाता है, अपने आप वैल्यू निकल जाती है। हाफ एंगल, ये पूरा थीटा है तो ये थीटा बाय टू हो जाएगा वहां से अपने आप, क्योंकि इसमें प्लस वन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो हम अभी आपको प्रूफ नहीं बता सकते। वैसे ये क्वेश्चन बिना इस फॉर्मूले के भी हो जाता है, उसमें भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, बट मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि हमें एमसीक्यू सॉल्व करने, हम वैसे भी आगे भी बच्चों को इसी फॉर्मूले से ड्राइव कराते। राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप बन गई, देखिए, समझ आई दीक्षा? जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आई कंसिडर ओनली हाफ ऑफ द ट्रायंगल, अगर ये एंगल पूरा मान लीजिए 60 है तो एंगल अपने आप यहाँ 30 आ जाएगा, ये 30 आया तो ये 60 अपने आप आ जाएगा क्योंकि ये 90 है, तो आप अपने आप वो वैल्यू निकल आए। हाँ जी, थीटा तो हो ही रहे। चलूं आगे, पक्का जी? वैसे भी अगर यहां पर ये थीटा है ना मेरे पास, तो हम जब भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो वो वर्टेक्स के एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये हमने लोअर क्लासेस में किया हुआ है, इसीलिए मैंने हाफ ऑफ द एंगल ली। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये नहीं मेथड करना तो जो बुक में है मैं वो करवा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पहले इससे हम कॉन्सेप्ट को लर्न करें, समझे? ये बात पता चल गई मैंने कैसे कैलकुलेट की है। ठीक है, सेक्टर में से सेगमेंट। अच्छा, अगर मुझे मेजर सेगमेंट निकालना है तो पहले मैं माइनर सेगमेंट निकालूंगी, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। ओके, सेगमेंट को, सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट इतना आंसर आया आपका, इतना आंसर। अब मैंने क्या करना है, ऊपर वाला निकालना है, इस लाइन के ऊपर वाला, तो सर्कल में से ये इतना पोर्शन माइनस करूंगी, तो ये क्या लिखा है, सेगमेंट लिखा है। सेगमेंट कॉर्ड के साथ बनता है, सेक्टर रेडियस और सर्कल की बाउंड्री के साथ, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चले बेटा आगे, क्लियर? अब क्वेश्चंस करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लैरिटी होगी कि हमने ये क्यों लर्न की। ओके जी, चले चले, लेट अस डिस्कस। हाँ जी, एक्सरसाइज हो गए मेरे पास 12.2। ओके, एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम द बुक, कैलकुलेशंस आपको खुद को करनी है, हमें सिर्फ फॉर्मूला, जिस बच्चे को फॉर्मूला पता चल गया वो क्वेश्चन अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, और इसमें कैलकुलेशंस हैं, एंड तक आंसर्स आप मिलाओगे। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। डायरेक्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है?
पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो यू जस्ट राइट एरिया ऑफ सेक्टर, आपके लिए फॉर्मूला लिख रही हूं, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकती। अब बेटा एमसीक्यू में आपने देखना है, अगर आंसर में पाई एज इट इज लिखा है तो बिल्कुल वैल्यू पुट नहीं करनी, यानी आंसर को भी पहले आप विजुलाइज करोगे। अगर सारे आंसर पाई के साथ हैं तो आप पाई की वैल्यू मत पुट करो। ओके, तो वैसे अभी तो हमें सब कुछ, हाँ जी, आर इज सिक्स स्क्वायर 36, थीटा 60, 360, सिक्स सिक्स और कोई कटिंग नहीं होती, 132 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, मैंने तो डाली है क्योंकि पीछे बुक में क्वेश्चंस तो आंसर विद जो है पुटिंग द वैल्यू। बेटा मैं आपको क्या कह रही हूँ, एमसीक्यू पे डिपेंड करता है। अगर एमसीक्यू में डेसिमल वाला है तो डेसिमल में करके देखोगे, एमसीक्यू में नहीं है आंसर डेसिमल वाला तो क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम। आपको सात सात ऑप्शंस को देखना है। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मैंने उस दिन भी आपको बोला था क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल। अगर आप इसको चाहो तो सर्कल का एरिया करके फोर से क्या कर सकते हो, डिवाइड, या आप सेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। सेक्टर का फॉर्मूला लगाने के लिए क्वाड्रेंट में थीटा कितना हो जाएगा, 90 बस। ओके जी, तो मेरे पास जो है यहाँ पर उन्होंने हूज सर्कमफ्रेंस जो है वो 22 सेंटीमीटर, मुझे थीटा पता चल गया 90 डिग्री है, ठीक है। और मैंने जो है आर कैलकुलेट करना है, कैसे निकालूंगी, सबसे पहले 2 पाई आर। ओके जी, 22 पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए तो आर ये 22 कैंसल, 7/2 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब मैं क्या करूंगी, हाँ जी फॉर्मूला, मैं चाहूं तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए या एरिया ऑफ सेक्टर लगा लीजिए, एक ही बात है। आप देखिए, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर भी लगाऊंगी तो बेटा पाई आर स्क्वायर, आर मेरे पास हो गए 7/2 पाई आर स्क्वायर थीटा। अब आप खुद ही देखिए, ये जब कटेगा तो 4, ये एरिया ऑफ सर्कल है डिवाइडेड बाय 4 ही आ रहा कि नहीं आ रहा, तो जैसे मर्जी कर लीजिए, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। ओके बेटा, कैलकुलेशंस पूरी आपको खुद करनी है। बेटा क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट मतलब फोर पार्ट्स में डिवाइड करना चाह, तो बेटा जब फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 इज 360, सारे x x x हैं, 4x इज इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू कितनी आई, 90। इक्वल पार्ट्स में जब हम एक सर्कुलर चीज को डिवाइड करते हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स आते हैं, ठीक है, आए तो बेटा ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ओके बेटा, क्लियर चाहत, चलो बेटा कम टू नेक्स्ट बेटा, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आई एम हैविंग नाउ, हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में मुझे बेटा क्या लिखना है, यू जस्ट सी हियर, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब बेटा एक मिनट हैंड की लेंथ बेटा वो यहां तक होती है, तो ये सर्कल का क्या हो गया, रेडियस, आर इज गिवन टू मी 14 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। वो कहता है कि 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर किया जाता है वो हमने कैलकुलेट करना। अब बेटा सबसे बड़ी बात है, मैं 5 मिनट्स में कितना एरिया कैलकुलेट किया जाता है, मैं क्या करूं, सबसे पहले एंगल पता करूं, एंगल होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाऊंगी, तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि 5 मिनट्स में कितना एंगल कवर होता है, क्योंकि आर है
आई नीड ओनली थीटा, तो उसके लिए आप यूनिटरी मेथड लगाओगे। अगर ये वाली नीडल यहां से शुरू होके वापिस इसी पे आ जाती है, कितना एंगल कवर करती है? 360 करती है। तो आप कहोगे अगर 360 करती है एंगल, टाइम कितना कवर करती है? 60 मिनट। दैट मींस इन 60 मिनट्स थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 मिनट थीटा इज इक्वल टू 360/60। इन 5 मिनट्स थीटा इज इक्वल टू 360 × 5, 300 डिग्री। आया कि नहीं आया बेटा? सबको ये बात क्लियर हुई? अब थीटा आ गया, आर पता है, निकाल सकते हैं कि नहीं? एक मिनट चेक करना, आपने सही किया है। यही गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं। किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, मैं चुप कर गई, फिर मैंने आपको बोला चेक किया, तब नहीं बोलते हो बेटा। यही जल्दी जल्दी में मिस्टेक होती है, सबकी होती है। ओके, बी केयरफुल। अब थीटा पता चल गया, एरिया कवर्ड इन 5 मिनट्स दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई 22/7, आर 14 स्क्वायर, थीटा 30 इंटू नीचे डिनोमिनेटर में कटिंग कीजिए, सारा कटिंग करके आंसर दे दीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है तो बेटा बता सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मेरे को बताओ, आप थीटा बाय 360 इधर पाई आर स्क्वायर इधर लिख दो या पाई आर स्क्वायर थीटा, क्या फर्क है दक्ष इसमें बेटा? क्या कैलकुलेशन में फर्क आएगा आप मुझे बताओ? 2 यहां मान लो 60 पुट किया, 60/360 बेटा रहना तो 1/6 ही है, चाहे तुम आगे लिख लो या पीछे, ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन हुआ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा। व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा? लेट अस रीड फर्स्टली, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर। उन्होंने कहा है कि एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल जो है वो मेरे पास जो है रेडियस उसका दिया हुआ है सर्कल का 10 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब उसने सेगमेंट की बात की है, यानी कौन सा पार्ट निकालना है? ये वाला। मैंने आपको सीधा ही फॉर्मूला बताया था, क्या करें? सेक्टर में से ट्रायंगल, ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/2 r² sin। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन में ना हाफ बेस इंटू हाइट भी लग सकती थी, क्यों कोई बता सकता है? ट्रायंगल का एरिया ये हाफ बेस इंटू हाइट कब लगाते हैं? जरूरी नहीं है, नॉर्मल में भी लग जाता है, बट यहां पर क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, अगर इसको मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो जरूरत ही नहीं है पाइथागोरस लगाने की बेटा। ये देखो, ये 10, ये भी 10 है कि नहीं है? है ना? तो क्लियर कट, हाइट ये है, बेस ये है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाओगे तब भी वही। तो इतना सोचने की बजाय अगर हम एक ही फॉर्मूला याद रखें कि जैसे मर्जी ट्रायंगल आ जाए, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, कोई टेंशन ही नहीं। राइट हो, एसोसिएलेस हो, इक्विलेटर हो,
वी डैम बहुत रिगार्डिंग था। बात समझ आई बेटा सबको? चलो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। अब मैंने इफ आई सी एनीबॉडी नॉट डूइंग द वर्क तो मैंने नाम बोल देना, देन इट विल बी रिकॉर्डेड। हाँ जी बेटा, जीरो ए बी बेटा रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस वन बाय टू आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, वन बाय टू आर स्क्वायर साइन थीटा, पुट ऑल द वैल्यूज। पाई इज 22/7, आर इज 10 स्क्वायर, थीटा इज 90, 360, वन बाय टू 10 स्क्वायर साइन 90, अपने यहां वन बन गया कि नहीं देखो। ओके इट इज मेंशन हियर, यू कैन यूज दैट। ओके जी, जितना भी दिया है, इफ पाई इज नॉट मेंशन यू कैन यूज एनी वन। कौन साइन 90 पुत्र, ट्रिग्नोमेट्री में वन होता है, आई यूज दैट, कटा कहीं से नहीं, इसको इससे कैसे काट सकती, काट ही नहीं सकती, बीच में माइनस है ना, तो मेरे पास 4, ये बेटा 3 पॉइंट, चेक कर लेना पाई की वैल्यू 3.14 ही दी है ना। अब बेटा जब मैं करूंगी तो ये 314 बाय 4 माइनस ये मेरे पास 100 बाय 2 50, सॉल्व कर लो एंड गेट योर आंसर। ओके जी, कैलकुलेशंस फास्ट करनी आनी चाहिए, स्मार्टली पेपर में जब हमने करना ये कुछ नहीं लिखना, सीधा वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। ओके बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं? गुड, चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन जो है इसी का नेक्स्ट पार्ट, मेजर सेक्टर। ये अभी फर्स्ट पार्ट निकला था, अब क्या निकालना है? मेजर सेक्टर। अब कोई बता सकता है मेजर सेक्टर कैसे निकालना? क्या 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 सिंपल? अरे क्यों इतने घूम फिर में जा रहे हो बेटा? आपने मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर ये वाला था, सर्कल में से या तो ट्रायंगल का, क्यों पूरे सेक्टर का एरिया माइनस होगा, ये पूरा माइनस होगा तो ये बचेगा, ट्रायंगल का माइनस करोगे तो इतना, फिर ये भी बच गया। तो क्या करना है, सर्कल में से या तो माइनस सेक्टर माइनस कर दो, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला हमने किया हुआ था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाय 360। ओके जी, ये दोनों 360 को काटना नहीं मेरा बट्टा, बीच में माइनस है, कैंसल नहीं हो सकता, तो मेरे पास पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर 100 स्क्वायर और 10 स्क्वायर और 90 माइनस किया तो 270 ओवर 360। डू द कटिंग एंड गेट एन आंसर। ओके जी, कोई डाउट किसी को? सबको क्लियर? देख लीजिए बेटा, एनी डाउट? चले आगे। हाँ जी, कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। बहुत इजी है, बस यही फॉर्मूलेज है, और एक लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी मैंने नहीं बताया, मैं वो भी आपको बताऊंगी पर जब आएगा। फर्स्टली आई मीन, हाँ जी बोलिए बेटा, क्या क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है? तो बेटा 55 दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, आपको कैलकुलेट करना ही नहीं, आपको जो वैल्यू आएगी ना 30, 60, 45 बस, क्योंकि 120 वाली आगे होती थी वो हम बच्चों को बताते थे,
कि साइन 120 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती, वो तब बताते थे। साइन 120 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एनटीएससी में कई बार जरूरत होती है। साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा के इक्वल होता है, ये प्लस वन में हम बच्चों को करवाते हैं। आपको पास हो गए साइन 120 है, ठीक है। तो या साइन 120 को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूं 180 माइनस 60, ये इस फॉर्म में आ गया। थीटा कितना है? 60। तो ये किसके इक्वल होता है? साइन 60 के। ये शॉर्टकट आपको नहीं, इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट, कॉस के केस में नहीं होता। अगर कॉस 180 माइनस थीटा है ना, वो माइनस कॉस थीटा होता है। मैं आपको कह रही हूँ प्लस वन में हम करते हैं, सिर्फ साइन में ट्रू होता है। साइन या साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, सिर्फ उन दोनों में ट्रू होता है, अदरवाइज बाकी सब में आगे नेगेटिव लग जाता है। उसका रीजन आपको प्लस वन में हम बताते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। बहुत लंबा लेक्चर चल जाता है, तो इतना का आपको जरूरत है मैंने बता। ओके नहीं, ये जस्ट आपको रिकॉल करने के लिए, आप इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ओके जी, सबको बात समझ आ गई? चले आगे। मैंने क्यों नहीं बताया था? क्योंकि 120 वाला एग्जांपल डिलीट हो चुका है सिलेबस में, तो हमें करने की जरूरत नहीं। बट फॉर योर एनटीएससी पर्पस मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट। मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ ही करना। हाँ जी, बिफोर स्टार्टिंग विद द फिफ्थ क्वेश्चन आई हैव टू टेल यू वन मोर फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। अब बेटा, अगर ये एक सर्कल है, ये सेक्टर बना रहा है, ये पूरा एरिया, जितनी आर्क, जितनी लेंथ ऑफ आर्क इस सेक्टर में यूज हो रही है ना, ये इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ओके, इसको कैलकुलेट, ये कितनी लेंथ है, ये किस पे डिपेंड करती है? थीटा। मैं थीटा जितना बड़ा करती जाऊंगी, लेंथ ऑफ आर्क उतनी बड़ी होती जाएगी। जितना थीटा डिक्रीज करती जाऊंगी, लेंथ ऑफ आर्क उतनी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका फॉर्मूला मैंने पता एरिया ऑफ सेक्टर से ही लर्न किया हुआ। वहां पर एरिया ऑफ सेक्टर में ये होता है, बस मैं ये कहती हूँ, ये जो टू है ना, इसको आगे ले आओ, जो पावर में टू है इसको आगे ले आओ। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बन जाता है 2πr θ/360। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 और 360 को काट देते हैं, तो वो बन क्या जाता है, पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। जैसे मर्जी लर्न कर लो बेटा। मैंने लर्न करने का मेथड बताया है कि लर्न कैसे कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आगे ले आओ, मैंने कहा हाउ वी लर्न इट, कि ये फॉर्मूले को अपने दिमाग में कैसे बिठाना है। ओके, कि अगर फॉर्मूला ये आपको याद होता है, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि इस टू को आप आगे लिख दो, फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का बन जाता है। मैंने प्रूफ नहीं किया कुछ, मैंने आपको लर्न करने बताया। समझ आ गई दक्ष? चलो बेटा आगे, कोई डाउट किसी को? चले आगे। चलिए, हाँ जी बेटा, इसमें भी ऐसे ही, ये माइनर आर्क लेंथ है एंड दिस इज मेजर। अगर आपने मेजर निकालनी है तो क्या करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस में से हम लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस कर दें तो मेजर आर्क आ जाएगी। बस आप फिगर को एनालाइज करो, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकालना है, क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप उसको एनालाइज करोगे, आपको सब कुछ पता चलता है। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब हम कैलकुलेट करेंगे
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में व्हाट इज रिटन हियर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर. सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. आपने आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है. ये अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 पाई आर थीटा बाय 3. अगर कोई बच्चा पाई आर थीटा बाय 180 बोल देगा वो भी ठीक है बेटा, हम उसको गलत नहीं करते. ठीक है जी, तो आप जो मर्जी बोल दीजिए. लेंथ ऑफ आर्क इज 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री. अब वैल्यूज पुट कीजिए. पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 21, थीटा इज 60, और इन द डिनोमिनेटर इट इज 360. ओके बेटा, अब ये लेंथ है. लेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर या सेंटीमीटर, डिपेंड करता है. यहाँ रेडियस सेंटीमीटर में है तो क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा. ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क. चल बेटा प्रेक्षित बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर? पेन का राइट डाउन. हाँ जी, तो सेकंड पार्ट में क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. गुड प्रेक्षित बेटा, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड. अब हमने क्या निकालना है? सेगमेंट. सेगमेंट का क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? बेटा सेगमेंट, सेगमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ सेगमेंट. वो तो सेक्टर का हो गया. हां जी बेटा, वेरी गुड. सेगमेंट का मतलब मैंने ये पार्ट निकालने है बेटा, फिगर में शेडेड कर दिया करो तो आपको फटाफट स्ट्राइक करेगा. इसको निकालने के लिए सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया क्या करना है? माइनस करना, माइनस करना. तो मेरे पास हो गए, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्केयर थीटा बाय 360. ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 r² sin. कैलकुलेशन इजी होगी कि नहीं? ठीक है ना, नहीं हुई तो अच्छी बात है बेटा. चलिए, हाँ जी, नाउ कम टू सेक्टर में से बेटा, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना. सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 r² sin थीटा. ठीक है, चले. नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क. 7th इज योर होमवर्क. हाँ जी, 7 डिलीटेड है, बिल्कुल. एंगल 120 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 को डिलीट कर दो. चलो क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइट. ये मेरे पास एक लैंड है, हॉर्स को ना यहां बांध दिया मैंने रस्सी से. अब ये देखो जरा, कल करवाएंगे बेटा.